हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंडामेंटली स्टॉक के बारे में जो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए रख सकते हैं। देखिए, हमने आपको हैवल से कमेंट किया था, मैंने बताया था कि डबल टॉप बनाया उसमें, उसके बाद गिरावट हो सकती है। उसके बाद आज के दिन देखा होगा आपने, लगभग 1.5% की गिरावट हुई है, 1.5 से 2% की, और आपको नीचे के लेवल पर कैंडल आती हुई नज़र आ रही है, तो आप वहाँ पर भी 1000 के लेवल पर बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे व्हर्लपूल के बारे में, देखिए व्हर्लपूल ने भी सेम टू सेम लगभग डबल बॉटम बनाया है, थोड़ा सा मिस है लेकिन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इसकी जो विक है वो ऊपर की तरफ नजर आ रही होगी, इसकी जो कैंडल है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ नजर आ रही होगी। तो इसी तरीके से इसमें भी एक डबल टॉप बन रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके लेवल्स की, तो आपको दिखेगा कि देखिए, मैंने पहले आपको रिकमेंड किया था इस लेवल पर, और उस वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से बाउंस बैक हुआ, तो मैंने यहां पर रिकमेंड किया था, उसके बाद बाउंस बैक हुआ। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर फंडामेंटल आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर व्हर्लपूल के वीडियोज डले हुए हैं, ये लेवल रिकमेंड किए थे, फिर से आपको एक बार रेजिस्टेंस फेस करके, आपको अगर आप अपॉर्चुनिटी चूक गए थे तो फिर से आपको एक बार रेजिस्टेंस फेस करके ये 200 डे ईएमए का उसके बाद नीचे की तरफ गिरावट दिखा रहा है। और आज के दिन जो कैंडल बनी है वो देख ही रहे होगी, एकदम बेरिश कैंडल है और बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा लेवल। अगर हम बात करेंगे बाइंग लेवल की, तो आप देखिए फिर से इसके आसपास 2090 के आसपास बाय कर सकते हैं, मतलब 2100 के आसपास आप बाय करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर आपने यहां के लेवल पर बाय करके फिर से यहां अगर स्विंग ट्रेड किया होगा तो इस लेवल पर भी बाय करके आपने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया होगा, लेकिन फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी आई है और आप 2100 का जीटीटी लगा सकते हैं, 2090 का एक पेविट सपोर्ट है, आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे एमएसीडी के, तो देखिए एमएसीडी ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद देखेंगे एमएसीडी लाइन धीरे धीरे सिग्नल लाइन की तरफ आ रही है, हिस्टोग्राम भी नीचे की तरफ बन रहे हैं, हो सकता है आपको ये थोड़ा सी और वीकनेसेस में नज़र आए। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई 49 की है, जो 50 के ऊपर अपन बुलिश आरएसआई मानते हैं, 450 के नीचे बेरिश आरएसआई होती है, 44 की उतनी बेरिश नहीं है। लेकिन अगर हम चार्ट्स में बात करेंगे तो देखिए चार्ट्स में आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, तो हो सकता है आपको एक दो कैंडल और नीचे की तरफ बनती हुई नजर आए। अगर हम बात करेंगे इसके ऑल टाइम हाई की, तो देखिए इस स्टॉक ने 2800 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद अच्छा खासा एक करेक्शन हमको देखने को मिला था और हमारे सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। ऐसे स्टॉक को हमें अच्छी गिरावट में बाय करना होता है। अगर हम बात करेंगे कोरोना के टाइम इस लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा था, फिर एक अच्छा खासा हाई लगाया और फिर आपको फिर करेक्शन के बाद उसी लेवल पर आता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करेंगे देखिए उसी लेवल पर आपको फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो जब भी ये लेवल जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा, 200 डे ईएमए ब्रेक करेगा, 100 डे ईएमए ब्रेक करेगा, तो ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है, जैसे यहाँ पे पिछले पहले भी हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद ये भी जैसे ही ये तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक आपको ऊपर के लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा। लोग जनरली क्या करते हैं, जब 200 डे ईएमए को क्रॉस करता है स्टॉक, तो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और फिर अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाय ऑन डिप्स करते हैं, नीचे के लेवल पे जब गिरता है स्टॉक तब हम बाय करते हैं और फिर हम नीचे के ही लेवल से फायदा उठाते हैं ऊपर तक का। तो देखिए अगर हम बात करेंगे नीचे के लेवल्स की, तो देखिए आप आराम से मैंने जो बताया था 2090 के आसपास बाय कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बाइंग करेंगे, उसके नीचे भी गिरावट हुई, तब हम बाय करेंगे 1980 के आसपास। अगर हम पेविट सपोर्ट पेविट पॉइंट्स देखेंगे आपको, तो आपको नजर आएगा, अगर हम इसके पेविट पॉइंट देखेंगे तो आपको नजर आएगा, फिबोनाची देखते हैं अपन, देखिए पेविट पॉइंट्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे अच्छा खासा एक आपको सपोर्ट ना बनता हुआ नज़र आएगा। 2090 का यहाँ पे पहला सपोर्ट है, उसके बाद 2048 का सेकंड सपोर्ट है। अगर हम बात करेंगे थर्ड सपोर्ट का, तो थर्ड सपोर्ट आपको नीचे के लेवल पे दिखाई देगा 1981 का, ये दिख रहा है। तो 1981 का 1980 के आसपास सेकंड बाइंग करेंगे, पहली बाइंग अपन करेंगे 2100 के आसपास, और आपका जो एवरेज होगा 2050 के आसपास का एवरेज आ जाएगा, जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको ये स्टॉक बाय करना है तो हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहां हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। जैसे ही बाइंग लेवल आते हैं तो हम बाय करने के लिए बोलते हैं, सेलिंग के लिए बोलते हैं, जैसे ही सेल करने के लेवल्स आते हैं। हमने आपको इंडिया मार्ट रिकमेंड किया था, उसके बाद यहां पे 6% की आपने हो सकता है आप लोगों ने भी बाय किया हो इंडिया मार्ट, और उसके बाद उसमें आज के दिन हमने 6% का फायदा भी उठा लिया है, और उसके बाद आपने देखा होगा कैंडल भी डाउन ट्रेंड में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये था हमारा स्टॉक आज के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।